स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए, खबरों के दम पर कौन से शेयर दिखा सकते हैं कमाल, आइए देखते हैं पांच का पांच। तो नजर रखिए एडलवाइज, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और उन बैंकों पे जिन्होंने बिनानी इंडस्ट्रीज को कर्ज दे रखे हैं या उनके डिफॉल्ट किए हुए लोन जैसे एडलवाइज ने खरीद लिए वैसे खरीद रखे हैं। बिनानी के कर्जदाताओं को 7,229 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। ये ऑफर बोर्ड की ओर से दिया गया है। बिनानी सीमेंट के सभी कर्जदाताओं को पूरी रकम मिल जाएगी, कोई नुकसान नहीं। बिनानी सीमेंट के ट्रेड क्रेडिटर्स को भी 443 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये अच्छी खबर है इन सबके लिए। सिगरेट कंपनियों पर रखिएगा नजर, और सरकार एक बार फिर से नए नियम ला रही है सिगरेट की पैकेजिंग के, और सरकार इस बार कह रही है कि आपको सिगरेट कंपनियों को टोबैको कॉजेस कैंसर ये प्रॉम्प्टली डिस्प्ले करना होगा। टोबैको कॉजेस पेनफुल डेथ इस शब्दावली का इस्तेमाल करके प्रॉम्प्टली इसको भी दर्शाना होगा। सिगरेट की पैकेजिंग पर लाल रंग के बैकग्राउंड से सफेद अक्षरों में बड़ा बड़ा ये लिखना होगा। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि क्विट टुडे और एक हेल्पलाइन नंबर भी प्रॉम्प्टली दर्शाना होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, तो जो अभी तक पैकेजिंग बनी हुई है वो सिगरेट कंपनियां इस्तेमाल कर ले जाएंगी, लेकिन आगे चलकर ये चेतावनी बड़े अक्षरों में प्रॉम्प्टली दर्शानी होगी। तो ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियों पर आज नजर रहेगी। वहीं नीरव मोदी मामले में PNB और दूसरे बैंकों के लिए एक झटका है। अमेरिका के बैंकरप्सी कोर्ट ने इजाजत दे दी है नीरव मोदी की संपत्तियों को बेचने की, यानी वहां पर जो बैंकरप्सी फाइल की थी फायर स्टार जो कि नीरव मोदी की कंपनी है, उसने 27 अप्रैल तक अब फायर स्टार के एसेट्स के लिए बोलियां मंगाई जाएंगी, 5 मई तक नीलामी हो जाएगी। PNB ने यह अपील की थी कोर्ट से कि ये संपत्ति ना बेची जाए, वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इससे हम रिकवरी कर पाएंगे, यानी हमारे बैंक्स रिकवरी कर पाएंगे, लेकिन अब ऐसा होने की संभावना नहीं के बराबर। कंसाई नेरोलैक एक पाउडर कोटिंग कंपनी को खरीद रही है, तो ये एक छोटा सा एक्विजिशन कंसाई नेरोलैक ने किया है, इसके चलते ये स्टॉक भी रहेगा रडार पर आज। और एक अच्छी खबर आती हुई महिंद्रा लाइफ स्पेस की ओर से, इन्होंने जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मुंबई के पास पालघर में, हैप्पीनेस प्रोजेक्ट नाम है इसका, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। 45 दिनों में 400 फ्लैट बेचने में ये कामयाब रहे हैं, और यहाँ पर करीब 8.5 एकड़ में कंपनी ने 850 फ्लैट बनाए हैं, जिनमें से करीब करीब आधे बिकते हुए दिखे।